अफगानिस्तान ने 20 सितंबर 2024 को दक्षिण अफ्रीका को 177 रनों से हराकर दूसरा वनडे जीता, जिससे क्रिकेट की दुनिया में हलचल मच गई है। यह जीत केवल अफगानिस्तान के दबदबे का परिणाम नहीं थी, बल्कि इसने दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट में गिरावट को भी उजागर किया है। रहमानुल्लाह गुरबाज ने 105 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 110 गेंदों का सामना किया। रहमत शाह ने 50 रन बनाए और अजमतुल्लाह ओमरजई ने 50 गेंदों में नाबाद 86 रन बनाकर अफगानिस्तान को 311/4 के मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। सवाल यह उठ रहा है कि क्या दक्षिण अफ्रीका जैसे बड़े क्रिकेटिंग राष्ट्र के खिलाफ ऐसा स्कोर वास्तव में मुमकिन था। आलोचक अब इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका की विश्व क्रिकेट में कभी मानी जाने वाली प्रतिष्ठा अब खतरे में है। वहीं दक्षिण अफ्रीका की पारी पूरी तरह से बिखर गई। टेम्बा बावुमा और टोनी दी जॉर्जी के बीच 73 रन की साझेदारी के बाद पूरी टीम केवल 134 रनों पर सिमट गई। अफगानिस्तान के गेंदबाजों, विशेषकर राशिद खान 5/19 और नंगेयालिया खरोटे 4/26 ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की टीम के मध्य और निचले क्रम का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक था। शारजाह में, जो अक्सर कठिन परिस्थितियों के बावजूद टीमों के लिए अनुकूल रहा है, इस तरह का पतन होना दक्षिण अफ्रीका की कोचिंग और कप्तानी पर सवाल खड़े करता है। क्रिकेट विशेषज्ञ अब यह पूछ रहे हैं कि एक समय की मजबूत मानी जाने वाली टीम आखिर अफगानिस्तान जैसी टीम के सामने इतनी आसानी से क्यों ढह गई। इस जीत ने अफगानिस्तान के लिए एक ऐतिहासिक पल को जन्म दिया है, क्योंकि यह उनकी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहली वनडे श्रृंखला जीत है। एक ओर यह अफगानिस्तान के क्रिकेट के लिए प्रेरणादायक मानी जा रही है, वहीं दूसरी ओर इस जीत ने दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेटिंग ताकत पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राशिद खान के शानदार प्रदर्शन ने दक्षिण अफ्रीका की स्पिन के खिलाफ कमजोरियों को उजागर किया और यह सवाल उठाए है कि क्या वे आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स के लिए तैयार है। इस हार ने कई लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या यह दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट के स्वर्णिम युग का अंत है। अफगानिस्तान ने सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली है, और अगर दक्षिण अफ्रीका आगामी तीसरे वनडे में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं करता, तो यह केवल हार नहीं बल्कि क्रिकेट की दुनिया में उनकी प्रासंगिकता पर भी सवाल खड़े कर सकता है।